हेलो फ्रेंड्स अ वेरी वेलकम टू आर एम एन एस प्रेब चैनल डेडिकेटेड टू एम एन एस एसपिरेंट्स एज ऑल ऑफ आर यू आस्किंग फॉर द बायोलॉजी क्वेश्चन सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू चैप्टर वाइज बायोलॉजी एम सी क्यूज़ विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एम एन एस एग्जाम एंड ऑलरेडी मैंने आपको वीडियोज़ प्रोवाइड की हैं बायोलॉजी पर तो गो एंड चेक साइंस सेक्शन देर यू गॉट द बायोलॉजी चैप्टर वाइज क्वेश्चन ऑफ़ different chapters like human health and disease biotechnology photosynthesis okay so you can check there now in this video we are going to cover some important questions from this important chapter of animal kingdom of class 11th okay so please watch this video till end so that you can come to know the type of questions and in this video almost all questions are important for your mns exam okay so let's get start क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 50 क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा है लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर इन सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस फॉर्म में डिफर करते हैं ऑप्शन इज शेप फॉर्म साइज एंड हैबिट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीस सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे डिफर इन शेप फॉर्म साइज एंड हैबिट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू विच फाइलम शोज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कौन सा फाइलम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है सी एनिमल किंगडम में जो सबसे प्रिमेटिव है दैट इज स्पॉन्जेस जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो होगा बाकी सारे हैं टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गेन सिस्टम लेवल तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है अगर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज सीलेंट्रेट ओके सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सीलेंट्रेट सीलेंट्रेट शोज एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इज पॉरीफेरा शोज सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक दट इज ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान इज फाउंड सेक बॉडी प्लान ये किसि फाइलम में एनिमल किंगडम के फाइलम में शो होता है इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्लेटी हेलिमेंटिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ट इज लेटी हेलीमेंटिस सो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक इज फाउंड इन ऑप्शन डी लेटी हेलीमेंटिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इनमें से किस दो फाइलम में शो होगा ऑप्शन ए इज एनलीडा एंड अर्थोपोडा Option B, Orthopoda and Mollusca. Option C, Annelida and uh, um, Cephalopods. Yeah, option D, Mollusca and Cyanodermata. So, the correct answer for this question is option B, that is Orthopoda and Mollusk. Option B is the correct answer. Orthopoda and Mollusca shows the closed circulatory system. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेज आर मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर कैसे हैं वो uh, मतलब उनकी सिमेट्री कैसे आपसे पूछा है बाइलिट्रल है रेडियल है बाय रेडियल है या फिर एसिमेट्रिक है सो so, स्पोंजेज आपने देखे होंगे इरेगुलर शेप्स के होते हैं ना जिनमें पोर्स होते हैं तो दे आर बेसिकली एसिमेट्रिकल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दैट इज एसिमेट्रिकल

वेयर लाइक वेयर देयर इज अगमेंटेशन इन देअर बॉडी सो दिस इज कॉल्ड मेटामेरिक सिगमेंटेशन विच इज फाउंड इन एना लीडर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन नोटो कॉर्ड इज डेराइव्ड फ्राम विच लेयर ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सो आपसे पूछा है जो नोटो कॉड है इज डेराइव्ड फ्राम विच लेयर Correct answer for this question is option B, mesoderm. Mesoderm, jo hai, that is derived from mesoderm. Option B is the correct answer. Next is question number 8. The undifferential layer present between ectoderm and endoderm is in sealant trait is. Jo undifferential layer hai, that is present in ectoderm between ectoderm and endoderm in sealant trait is called what? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी मीजोगलिया मीजोगलिया ओके इंपॉर्टेंट है इसे लर्न कर लेना जो अनडिफ्रेंशियट लेयर है एक्टोडम एंड एंडोडम ठीक है एक्टोडम बाहर वाली लेयर एंड मीजोडम एंडोडम अंदर, अंदर वाली लेयर तो इसके बीच में जो अनडिफरेंशिएट लेयर है दैट इज मीजोगलिया तो मीजो फॉर मिड ओके okay? यहां से ऐसे लर्न कर सकते हो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन मेंबर्स ऑफ आर कॉमनली एज तो के जो कॉमन नेम है वो क्या है ऑप्शन इज फ्लैट राउंड स्पॉन्जीज और कोरल करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दैट इज अपॉन्जीज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन वॉटर पार्थ इन स्पॉन्जीज इज दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज पहले में देन स्पॉन्जियोसील एंड ऑस्कुलम ऑप्शन बी ऑस्कुलम स्पॉन्जियोसील एंड ऑस्टिया देन ऑप्शन सी इज ऑस्कुलम फिर स्पॉन्जोसिल में एंड देन ऑस्कुलम में बॉडी वाटर फ्लो uh, होता है इसमें ऑप्शन डी है स्पॉन्जियोसील ऑस्टिया या फिर ऑस्कुलम सो विच वन इज द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर गोज इन ऑस्टिया विच इज पोर बेसिकली तो स्पॉन्जीज में जो पोर है उनके थ्रू वाटर एंटर करता है दैट इज नोन एज ऑस्टिया देन स्पॉन्जियोसील जो कि एक कैविटी है स्पॉन्जियोसील वहां वाटर जाएगा ठीक है तो पोर्स के थ्रू आप ऐसे लर्न करो पहले ऑस्टिया ऑस्टिया क्या एक पोर्स है तो बॉडी के अंदर वाटर किसके थ्रू गया पोर्स के अंदर जैसे हम ऑस्टिया बोल रहे हैं पोर्स के थ्रू गया उसके बाद बॉडी कैविटी में जाएगा ठीक है बॉडी की कैविटी में जाएगा दैट इज डोन एज स्प सील एंड देन इट गोज टू ऑस्क्यूलम ओके सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन इन स्पॉन्ज द स्पर्म एंड ओवा आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल सच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सो स्पॉज के अंदर जो स्पर्म है एंड ओवा है आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल सेम इंडिविजुअल के थ्रू प्रोड्यूज होते हैं और सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे सो व्हेन स्पर्म्स एंड ओवा दैट इज सेक्सुअल गैमीट्स बाई इफ इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल दैन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हार्मोफ्रोडाइट इन केस ऑफ एनिमल्स सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हार्मोफ्रोडाइट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज़ क्वेश्चन नॉर्मली भी आपसे पूछते हैं व्हेन मेल uh, the तो नॉर्मल क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हर्मोफ्रोडाइट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपसे पूछा है डाइजेशन इन स्पॉन्जीज इज स्पॉन्जिस के अंदर जो डाइजेशन है वो किस टाइप का है इंट्रा सेलुलर है एक्स्ट्रा सेलर है या फिर बोथ है या फिर नन तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए दैट इज इंट्रा सेलुलर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर स्पॉन्जिस के अंदर जो डाइजेशन है दैट इज इंट्रा सेलुलर दैट इज आउटसाइड द सेल सेल के आउटसाइड यहां पर डाइजेशन होगा दैट इज इंट्रा सेलुलर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन फर्स्ट डिप्लॉन्टिक सॉरी डिप्लो ब्लास्टिक एनिमल शो इंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछा है इनमें से कौन सा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि पहले डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो होगा सो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी गोरगोनिया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर गोरगोनिया नाउ गोरगोनिया बिलोंग्स टू विच फाइलम लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स तो इससे आपको सर्चिंग में भी हेल्प होगी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी गेन करोगे और आपने कुछ किया भी होगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े पढ़े आप वीडियोस देख रहे हो तो उससे काम नहीं चलेगा आप जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहे हैं प्लीज गो एंड चेक ऑन गूगल या फिर अपनी बुक कभी आप पढ़ते हो तो उसे बुक को खोल के देखो उसमें आंसर क्या लिखा है क्या लाइन लिखी है तो ऐसे आप याद करोगे तो चीजें बहुत देर तक रिमेम्बर रहेंगी नेक्स्ट इज क्वेश्चन आपसे पूछा है ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें पहली बार नर्व नेट हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सील ट्रेट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द फाइलम इन विच द फर्स्ट टाइम नर्व नेट टाइजेज दैन इट इज ऑन्सर सील एंड ट्रेट सिलेंट ट्रेड्स पहले फाइलम है जिन जिनमें नर्व नेट अराइट अराइज किया था जैसे एग्जाम्पल हाइड्रा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टीनो फोर्स आर कॉमनली नोन एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं जो भी आप एक क्वेश्चन देखोगे वो आपको लगेंगे कि हाँ ये सारे ही इंपॉर्टेंट है तो आप प्लीज इन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना एनिमल किंगडम में से मोस्ट प्रोबेबली आपके अः uh, हार्डली एक दो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे पर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे दट इज फ्रॉम दिस वीडियो ऑनली एंड दिस इज माई गारंटी सो प्लीज आपको एक बार वीडियो नहीं समझ में आ रही है दूसरी बार देखो लर्न करो क्वेश्चन को है ना लिखने से भी कुछ नहीं होगा लर्न भी करो साथ ही साथ ओके okay? और करेंट अफेयर जीके मैंने बोला है उसे आपको लिखने से लर्न होगा तो वो चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी सो टीनो फोर्स आर कॉमनली नोन एज वॉट ऑप्शन ए सी वॉलनट कॉम जेलीज बोथ या फिर नन इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए टीनो फोर्स आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन जो फ्लेम सेल्स हैं दे हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन विच ऑफ ऑर्गेनिज्म सो फ्लेम सेल्स आपका बेसिकली जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ये किस फाइलम में है ये है लेटी हेलीमेंटिस और लेटी हेलीमेंटिस का एग्जाम्पल इनमें से एक ही है दैट इज इज सो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर ओके तो फ्लेम सेल्स ये इंपॉर्टेंट है फ्लेम सेल्स किस में हेल्प करेंगे एक्सक्रीशन में सब फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो फ्लेम सेल्स हैं वो आपके एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन मोस्ट प्रोबली आपको याद रखना है एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं फ्लेम सेल्स ओके एंड अर्थ फॉर्म में आपने सुना होगा अर्थ फॉर्म में आपका जो एक्सक्रीशन uh, के लिए क्या है एक्सक्रीशन yeah. के लिए ग्रीन सेल्स आई थिंक जो ग्रीन सेल्स हमने पढ़ा है ग्रीन सेल्स या फिर मेलपेजियन बॉडीज ओके मेलपेजियन बॉडीज हैं इसमें नेफ्रीडिया भी है एक

तो अर्थ की स्पीशीज में जो का जो परसेंटेज है ठीक है वो कितना है? बी दू बाई थ्री अप्रोक्स सिक्सटी सिक्स परसेंट जो स्पीशीज है अर्थ पर दैट इज ऑर्थोपोडा ठीक है सो यू कैन इमेजिन विच हाउ लार्ज इज फाइलम इज ऑर्थोपोडा सो टू बाई थ्री नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम शोज सेगमेंटेशन इनमें से कौन सा फाइलम सेगमेंटेशन शो करता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ठीक है यहां पर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नोटिस कि जो सेगमेंटेशन है बॉडी सेगमेंटेड है वो आपको दोनों में ही मिलेगा एनालीडा में भी और उसके बाद जो फाइलम होता है दोनों में आपको सेगमेंटेड बॉडी शो होंगी ऑर्गेनिजम्स में लेकिन जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है अभी हमने पढ़ा था कि जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है ये आपको सिर्फ देखने में मिलेगा एनालिड्स में यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है दिस ओनली सीन इन एनालीड्स ओके एनालीड्स में आपका मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो होगा लेकिन जो सेगमेंटेड बॉडी है वो दोनों में एनालीड्स में भी और ऑर्थोपोडा में भी क्लियर नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एडाइसिस इज सीन इन केस ऑफ एडाइसिस वॉट इज एडाइसिस सो फर्स्ट वी रिमेंबर वट इज एडाइसिस एंड देन आपको आंसर पता होना चाहिए सो so, पहले हम क्वेश्चन नंबर करेंगे क्वेश्चनिस की फुल फॉर्म यहाँ पर दे रखी है adiasis क्या है एग्जोस्लिटन ऑफ ऑर्थोपोडा आर ओके काइटिन की उनके एग्जोसैलिटन होती है एंड इट शेड्स एट इंटरवल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस और ये जो चिटेनिस जो बॉडी है उनकी वो शेड्स होती है जैसे हमने स्नेक्स में देखा है वो अपनी बॉडी का एक ऊपर का जो प्लेयर है वो निकाल देते हैं तो so, ऐसे ही आपको ऑर्थोपोडा में देखने को मिलेगा uh, कि उनकी जो एग्जोस्कैलिटन है जो कि चिटिनस की है मतलब चिटिन की बनी है ठीक है काइटिन भी बोलते हैं कई जगह तो ये जो येटन है वो रेगुलर इंटरवल पर ये निकलती रहती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए दिस इज नोन एज एडाइसिस सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नाउ एडाइसिस इज सीन इन केस ऑफ ना यू कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन विच ऑफ दर्गेनिज्म बिलोंग्स टू ऑर्थोपोडा तो इनमें से जो ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है वही शो करेगा ओके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉकरोच। सो कॉकरोच के अंदर एडाइसिस प्रोसेस देखने को मिलती है तो यहां से दो चीजें आपको रिमेंबर होगी एडाइसिस क्या है चिटेनिस बॉडी का एक्सोस्केलेटन uh, का निकलना और स्पेशली ऑर्थोपोड फाइलम्स में ये शो होता है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू सेलेक्ट द लिविंग फॉजल फ्रॉम दिंग इनमें से आपको लिविंग फॉजल सेलेक्ट करना है ऑप्शन है क्यूलेक्स सिल्क क्यूलेक्सिल्क वैक्स इंसेक्ट या फिर ल्यूमिलस सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ल्यूमिलस सो लिविंग फॉजल इनमें से ल्यूमिलस में शो होगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके ल्यूमिलस को हम एक किंग क्रैप भी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री अदर नेम ऑफ ल्यूमिलस इज सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी किंग्रैप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर आपसे पूछा है विच ऑफ इज़ नॉट अ फिश इनमें से कौन सी फिश नहीं है ऑप्शन इज डेविल फिश कटल फिश जेली फिश या फिर ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इनमें से एक भी फिश का एग्जाम्पल नहीं है डेविल फिश बिलोंग्स टू तो कॉर्डेट्स ओके okay. कटल फिश बिलोंग्स टू तो मोलुस्क मोलुस्का फाइलम जेली फिश बिलोंग्स टू सिंडेरिया करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज इनमें से एक भी फिश के एग्जाम्पल नहीं है Guys, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी मटेरियल टू प्रोवाइड मोर गाइडेंस रिलेटेड एम एन एस एंड टू प्रोवाइड अदर इन्फॉर्मेशन एंड टेस्ट टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर वैसे मैंने आपसे बहुत ही कम वीडियोस में बोला है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बिकॉज आई नो कि आपको पता है कि मेहनत है वीडियो में मैंने अगर अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए तो ऑब्वियसली लाइक अपने आप आ जाते हैं बट uh, कभी कभार लगता है कि यार वीडियो में मेहनत की है उस हिसाब से लाइक नहीं आए तो फिर एक डिमोटिवेशन भी लगता है कि वीडियोज प्रोवाइड करने का फिर मतलब क्या है है ना तो यू हैव टू सपोर्ट मी इन ऑर्डर टू आई सपोर्ट यू ओके नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इज ऑफ मोलोस्कार ऑफ का जो फाइलम है वो कैसे हैं ऑप्शन ए इज एक्वाटिक हैं टेरेस्ट्रियल हैं या फिर एरियल हैं सो मेजोरिटी ऑफ मोलोस्कार आर एक्वाटिक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एक्वाटिक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इन विच फाइलम द लार्वा इज बाइलेट्रल सिमेट्रिकल एंड एडल्ट हैव रेडियल सिमेट्री। किस में जो लार्वा है वो बाइलेट्रल सिमेट्री है एंड जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एम करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी दैट इज अकाइनोडरमेटा

Next is the study of fishes is called. Important hai ye study of fishes ko hum kya bolte hai. very important. What is the study of fishes called? That is option A, ichthyology. Serpentology, study of reptiles. Okay. So option A is the correct answer. Ichthyology is the study of fishes. म टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एम एन एस एग्जाम के लिए द स्किल्स फाउंड इन कॉन्ड्रॉल्ड कॉन्ड्रोलते हैं कॉन्ड्राइड्स भी बोलते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है दट इज ऑप्शन ए प्लेसॉइड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर प्लेसॉइड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी विच फिश पॉजिज पॉइजनस स्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी फिश जो है वो पॉइजनस स्टिंग इसके पास होते हैं करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी ट्राइगन ट्राइगन हैविंग पॉइजनस स्टिंग नेक्स्ट इज फिश है इलेक्ट्रिक ऑर्गेन ये भी इंपॉर्टेंट है इनमें से कौन सी फिश जो है वो इलेक्ट्रिक ऑर्गेन कंटेन करती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉरपीडो टॉरपीडो को याद करो आप टोरेंट से टोरेंट okay. पावर आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑफ टोरेंट पावर तो टोरपीडो ऐसे याद करो इलेक्ट्रिक ऑर्गन से ठीक है नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू रेस्पायरेशन इन एडल्ट फ्रॉग इज ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लास्ट ईयर आई थिंक ट्वेंटी ट्वेंटी एम एन एस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि रेस्पिरेशन फ्रॉग में किसके थ्रू होता है सो रेस्पिरेशन इन एडल्ट फ्रॉग इज बेसिकली बाय ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दे रेस्पायर थ्रू बक्को फेरेंजियल कैविटी स्किन एंड लंग्स ऑल ऑफ दीज ओके बट रेस्पिरेशन इन टैडपोल फ्रॉग लार्वा है वो किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं क्लियर तो एडल्ट लार्वा ओनली रेस्पायर थ्रू गिल्स वेर इज एडल्ट्रॉग रेस्पायर थ्रू कैविटी ऑल्सो बक्ो फ्रेंज कैविटी next is question number 34, which of the following is limbless amphibian in vesicconsa, a limbless amphibian hai? limbless amphibian. important. Hai. which of the following is limbless amphibian? correct answer for this question is option b. ichthyophis. ichthyophis is an example of limbless amphibian, important. Hai. Next, question number 35. First class of vertebrates which are fully adopted for terrestrial life is. First class of vertebrates which are fully adopted for terrestrial life is. Question number 35. Correct answer for this question is option B, reptiles. Option B is the correct answer, reptiles. Okay. सो फर्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट जो कि फुली एडेप्टेड है फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ दैट इज रेप्टाइल्स जो कि जमीन पर रपट के चलेंगे है ना रेप्टाइल्स क्रीप करेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स फोर चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और जनरली बच्चे इसमें भी गलती करते हैं सो फोर चैम्बर्ड हार्ट इनमें से किसमें शो होगा

फर्स्ट वर्टिब्रेट विच आर ब्लडेड। सो पहले वर्टीब्रेड जो कि वार्म ब्लडेड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन हैं आपके रेप्टीलिया एम्फीबियन बर्ड्स या फिर एमल्स तो ऐसे कौन से पहले वर्टिब्रेड्स हैं जो की वार्म ब्लडेड है देखो रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस ऐसे हैं जो कि मॉइस्ट एरियाज में बिलोंग करते हैं मॉइस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं स्पेशली एम्फीबियंस तो और भी वाटर एंड लैंड दोनों पर रहते हैं तो इसके मेमल्स तो बाद में आए हैं पहले कौन आए बर्ड्स आए हैं ठीक है तो बर्ड्स आएँ फिर मेमल्स आएँ तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी और वो भी वॉर्म ब्लडेड आपसे ऐसे लर्न करना है ईजिली बहुत ईजीली लर्न हो जाएगा वॉर्म ब्लडेड पूछा है तो रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस तो निकल गया बिकॉज ये

पर्टिकुलर फाइलम uh, में ही सीडोसिलोम आपको देखने को मिलता है इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीआरटी के थ्रू सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर लेटी हेलिमेंट्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इंपॉर्टेंट है लेटी हेलिमेंट शोज सीडोसिलोम सो पी फॉर सीडो एंड पी फॉर लेटी ऐसे लर्न कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द के सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ केनाल सिस्टम इनमें से किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी केनाल सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पॉन्जिस का सो गईज दिस इज एंड ऑफ द वीडियो इसमें हमने टोटल फोर्टी क्वेश्चन कवर किए हैं फिफ्टी मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया है लेकिन ये 40 आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू शुड ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस वीडियो दैट इज एनिमल किंगडम इस वीडियो करने के बाद एनिमल किंगडम की आप जो एनसीआरटी में जो चैप्टर दे रखा है एक बार उसे रीड कर लेना प्लीज दिस इज माई रिक्वेस्ट बिकॉज एनिमल किंगडम एक बहुत ही यू नो कंफ्यूजिंग कॉम्प्लेक्स चैप्टर है अगर आपको नहीं पढ़ना है तो उसमें से क्वेश्चंस आपके स्किप भी हो सकते हैं तो एक बार उसे रीड कर लेना ठीक है टाइम आपको उसमें लगेगा ठीक है तो आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना और ज्यादा टाइम भी मत देना ऐसा नहीं कि एनिमल किंगडम आप फिर दिन दिन या चार दिन के लिए लेके बैठ गए साथ में आपको अपना बाकी सब्जेक्ट्स का भी देखना है लाइक इंग्लिश एंड जी एंड इन करेंट अफेयर टू तो यू शुड रिमेंबर हाउ टू डू ऑल दिस इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ये आपको खुद टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और थोड़ी अगर हेल्प चाहिए तो वीडियो देख लेना हाउ टू प्रिपेयर फॉर एम एन वो मैंने आपको हर वीडियो में बताया गो एंड चेक दैट वीडियो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एम एन एस ट्वेंटी यहाँ से आपको थोड़ी हिंट मिल जाएगी कैसे आपने आपको प्रिपेयर करना है एंड गाइस जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है ओके ऑनलाइन मॉक टेस्ट है वो मे बी मैं आपको मैंने बोला था आफ्टर होली तो यहाँ तो मंडे को से प्रोवाइड करूंगी आप कमेंट में बताइए आपको पैक में चाहिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट या फिर आपको पर्टिकुलर वन बाय वन ऑनलाइन मॉक टेस्ट चाहिए सो दैट यू कैन जज योर परफॉर्मेंस इन मॉक टेस्ट एंड देन यू कैन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट मॉक टेस्ट ओके सो दिस लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स योर क्वेरीज एंड जितने भी आपके डाउट्स हैं लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स टेलीग्राम इंस्टाग्राम वी एवर यू वॉन्ट टू आस्क योर डाउट्स ओके सो होप यू लाइक दिस ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको प्रोवाइड किए इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से रिमेंबर करना है याद करना है और अपने आप को अपने एम एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एम एन एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए और डेली आपको सिनोनियम्स क्वेश्चंस करने ही करने हैं ये मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है सिनोनियम्स आपको अच्छे से करने हैं सिनोनियम्स के साथ साथ वर्ड वनवर्सूशन ईडियम एंड फ्रेजेस ओके ये भी आपको लर्न करने हैं क्योंकि ये बहुत ही लर्निंग टॉपिक्स uh, हैं इनमें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है सिनोनियम्स में तो स्पेशली आपको खुद की मैंटालिटी आप यूज़ करके जो भी आप ट्रिक लगाना चाहते हो वैसे आप लर्न कर सकते हो ठीक है सो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए इस वीडियो पर बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो के लिए सीरियसली ठीक है सो होप यू लाइक दिस वीडियो ओके इंजॉय योर डे एंड विद स्टडीज़ टू ओके स्टडी के साथ ओके थैंक यू सो मच